नाज़िर को क्या कहना चाहेंगे मिर्ची म्यूजिक अवार्ड में, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं नाइट, आज नाइट में, और कितना धमाल होने वाला है आपके गाने पे? ये तो सही में मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि सैराट को नॉमिनेशन है और हम शायद तीनों भी पहली बार ही इसमें शामिल हो रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है और शायद मज़ा भी आए। आप क्या कहना चाहेंगे मिर्ची म्यूजिक अवार्ड पे, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज की नाइट पे, कितना मस्ती मजाक और आपके गाने पे धमाल होंगे? अभी सैराट भी नॉमिनेशन भी है तो अभी मज़ा आएगा, देखेंगे क्या होता है, अभी तीनों फर्स्ट टाइम आए तो देखते हैं। ओके, आप? हाँ, जो अभी सर ने वैसा कहा वैसे ही कि हम सिर पे बैठेंगे, जो आगे धमाल करें उसको देख के हम धमाल करेंगे। कोई फेवरेट सिंगर आपका मराठी में? अजय अतुल। ओके सर, क्या कहना चाहेंगे मिर्ची म्यूजिक अवार्ड के बारे में, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज की रात, और आपके गाने वो नॉमिनेट है, परफॉर्मेंस आपके गाने पे क्या कहना चाहेंगे? दरअसल बात यह है, सैराट का म्यूजिक खाली महाराष्ट्र ने नहीं, पूरे देश ने सराहा है और हम लोग बहुत खुश हैं कि वो ही म्यूज़िक के क्या उसी म्यूज़िक के लिए अलग अलग कैटेगरी में 24 टोटल नॉमिनेशन है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, हम लोग एक तो भारत की जनता ने उसको सराहा है और अभी आज इतनी बड़ी तादाद में उसको नॉमिनेशन है, तो इससे बड़ी खुशी की बात मुझे तो नहीं लगता कि अवार्ड मिले या नहीं मिले, क्योंकि बहुत सारा टैलेंट है, बहुत से लोग भी दूसरे हैं, तो अवार्ड मिले या नहीं मिले, लेकिन ये 24 नॉमिनेशन वाली बात ये बहुत ही अंदर से बहुत सुकून देती है। मिर्ची के बारे में बोलना चाहूँगा मैं, हमारा करियर और रेडियो मिर्ची का करियर इकट्ठा शुरू हुआ है, तो रेडियो मिर्ची को भी नहीं पता था वो लोग इतने पॉपुलर हो जाएंगे, हमें भी नहीं पता था कि हमारे गाने इतने लोगों को पसंद आएंगे। सो ये हम लोग बहुत साथ में साथ हाथ में हाथ डाल के पले बढ़े। जब हम लोग विश्वविनायक कर रहे थे तभी मिर्ची म्यूजिक रेडियो मिर्ची चालू हो रहा था, सो हम लोग को तब से मालूम है हम लोग सबको।